स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस फ्रॉम सो मैनी पीपल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वो करता, इसी तरीके की। एंड टूडे आई हैव टेकन योर लास्ट स्टोरी, योर लास्ट चैप्टर, योर लास्ट लेसन, दैट इज इफ आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक शख्स से कहा कि मैं अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन होता तो ये कर देता, वो कर देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था, पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन बन के तो दिखाइए, फिर आप कुछ और करके दिखाइए। आज एक ड्रामा टेस्ट के साथ डील करते हैं, जिस तरीके से प्लेज होते हैं, ड्रामास होते हैं, वन एक्ट प्ले होते हैं, तो कितना मजा आता है जिसमें कई सीन होते हैं, सीन्स बदलते हैं, और मूवी का टच इस तरीके से आने वाला है यहाँ पर, जिस तरीके से आप थिएटर में बैठकर मूवी को देखते हो। सो लेट्स गो ऑन दिस चैप्टर, दैट इज इफ आई वर यू, काश मैं तुम होता, या काश मैं तुम्हारी जगह होता। डगलस जेम्स का ये चैप्टर आपको काफी इंटरटेन करने वाला है, एंड इट्स सोर्स ऑफ रियली इंटरटेनमेंट। ओके, सीन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटी सी झोपड़ी का इंटीरियर है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, और पीछे से भी एक एंट्रेंस है। आपने देखा होगा जिस तरीके से स्टेज बनाते हैं, तो ये स्टेज है जो एक झोपड़ी का बना हुआ है, विच मे बी कर्टेड, आप पीछे की तरफ पर्दा भी डाल सकते हो जो पीछे वाला एंट्रेंस है। एनदर डोर लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, एक दूसरा जो लेफ्ट की तरफ दरवाजा है वो प्रैक्टिकल दरवाजा हो सकता है आने जाने के लिए। द फर्नीचर इज सिंपल, वहां पर जो फर्नीचर है काफी साधारण है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, वहीं पर उसमें एक छोटी सी टेबल है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, एंड चेयर और टू, एक या दो कुर्सियां आप डाल सकते हैं। अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट, और राइट की तरफ अप स्टेज पर एक दीवान पड़ा हुआ है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, टेबल पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, टेबल के पास में जेरार्ड खड़ा हुआ है, मेकिंग अ फोन कॉल, एक फोन कॉल कर रहा है। ही इज मीडियम हाइट, वो मीडियम हाइट का है, वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, जो पहने हुए है हॉर्न रिम्ड ग्लासेस को, चश्मा पहने हुए है। क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होता है, बट द रियल एक्शन स्टार्ट नाउ, लेकिन वास्तविक एक्शन की शुरुआत अब। ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट, वो एक लाउंज प्रकार के सूट को पहने हुए है, एंड अ ग्रेट कोट, और एक बड़ा सा कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी आवाज काफी सभ्य है, जेरार्ड। वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, हाँ अच्छा उससे कहना कि वो मुझे डायरेक्टली फोन करे। आई मस्ट नो, मुझे जान जाना चाहिए। यस आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं, आई स्टिल बी हियर, मैं यहीं पर होऊंगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम्हें इस बारे में काउंटिंग नहीं करनी है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, 10 मिनट के टाइम में, राइट हो, गुड बाय, इस तरीके का कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था, फोन पर वो किसी से बात कर रहा था। ही पुट्स डाउन द फोन, वो फोन को नीचे रखता है, गोज टू द दीवान, दीवान पर के पास जाता है, ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में, वेयर देयर इज अ ट्रेवलिंग बैग, और जहां पर ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है, एंड स्टार्ट पैकिंग, और पैकिंग की शुरुआत कर देता है। Whilst उसी दौरान, he is thus engaged, वो इस प्रकार engaged हो जाता है, another man similar in build to Gerard, Gerard के ही जैसा बनावट का, उतनी ही height का एक आदमी आता है, from the right silently, चुपके से right की तरफ से, revolver in his hand, उसके हाथ में revolver है, he is flashily dressed in an overcoat, वो एक overcoat पहने हुए है, and a soft hat, और एक soft hat है उसके सर पर। He bumps accidentally against the table. Table में टकरा जाता है accident के तौर पर. And at the sound, Gerard turns quickly. और उस आवाज पर Gerard मुड़ करके देखता है कि ये कौन आ गया. Gerard का अब conversation शुरू होता है, dialogues शुरू होते हैं. Gerard pleasantly, खुश होते हुए, why? This is a surprise, mister. अरे mister, ये तो surprise की बात है, ये कौन आया? Intruder, वहीं पर जो जबरदस्ती बंदा घुस करके आया है घर में, वो कहता है, I am glad you are pleased to see me, मैं खुश हूं कि तुम मुझे देखकर खुश हुए। I don't think you will be pleased for long, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम ज्यादा लंबे समय तक खुश रहोगे। Put those paws up, अपने ये पंजे ऊपर करो, hands up। Gerard, this is all very melodramatic,
ये तो काफी मेलो ड्रामेटिक है, एक थिएटर के ड्रामा की तरह। नॉट वेरी ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल भी नहीं लगता। परहैप्स, शायद, बट, लेकिन, इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम, कोशिश करो शांत होने की। एंड एयर, इससे पहले क्या हो जाए पता नहीं। जेरर, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड, अरे लापरवाही वाले आपके शब्द हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ। इंट्रूडर, थैंक्स अलॉट, शुक्रिया। यू विल सून स्टॉप बींग स्मार्ट, जल्दी ही तुम स्मार्ट होना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रिगा दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं तुमसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। सी, तुम इस बात को जानते हो। देखो जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी पूछ लो यार, जो पूछना चाहते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे जवाब आते हैं। बट बिफोर वी बिगेन, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी पोजिशन चेंज करना चाहता हूँ। यू मे बी कंफर्टेबल, तुम आरामदायक हो जाओगे, बट आई एम नॉट, तुम तो आरामदायक हो लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मैं अपनी पोजिशन चेंज करना चाहता हूँ। इंट्रूडर, जिसके हाथ में गन है उसके साथ जेराड मजाक करता है। सिट डाउन देयर, वहीं बैठ जाओ। नो फनी बिजनेस, और कोई मजाकिया बिजनेस नहीं चल रहा है। मोशंस टू अ चेयर, एक चेयर को मूव करते हुए। सीट्स हिमसेल्फ ऑन अ दीवान बाय द बैक, बैक के पास पे एक दीवान पर बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक, अब हम थोड़ी सी प्यारी सी नाइस सी बातें करेंगे। अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में। जेरार्ड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिरकार आप एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता बन गए। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी बताऊंगा। एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज, जब मैं एक बच्चा था तो मुझे बंजारों ने चुरा लिया था। एंड एट द एज ऑफ 32, और करीबन 32 साल की उम्र में, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ लोनली एसेक्स कॉटेज, और यहाँ पर मैंने एक अकेले एसेक्स नाम की जगह पर झोपड़ी में अपने आप को पाया। हाउ, आप जानना चाहेंगे कि मेरी जिंदगी कैसी थी? इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, कहता है अपनी बकवास अपने पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, और मेरे सवालों का केवल जवाब दो। यू लीव हेयर अलोन, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल डू यू, हाँ, अच्छा तुम अकेले रहते हो। जेरार्ड, आई एम सॉरी, मैं बड़ा दुखी हूँ। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे थे। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे थे। अ क्वेश्चन ऑफ इनफ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर, तुम्हारी आवाज अपरिचित है, और एक सवाल है सोचने के लिए। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, जोर देते हुए, डू यू लीव हेयर अलोन, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या तुम अकेले रहते हो? जेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं तुम्हें जवाब ना दूं तो तुम मेरा क्या करोगे? जेरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, अच्छा सेंस यही होता है कि तकलीफ की योग्यता से आप अपने आप को बचाएं, देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, और मेरी ऐसी कोई करने की इच्छा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, क्या सोचते हो? इंट्रूडर, इंट्रूडर जवाब देता है, नेवर माइंड माय नेम, मेरा नाम मत पूछो, मुझे मिस्टर कहके मत बुलाओ। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है मिस्टर जेरार्ड। व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? जेरार्ड जवाब देता है, विंसेंट चार्ल्स, मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है, ये मेरा सर नेम है, क्रिश्चियन नेम है। इंट्रूडर, डू यू रन ए कार, क्या तुम्हें कार चलाना आती है? जेरार्ड, नो, नहीं। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी बेवकूफ के साथ डील नहीं कर रहे। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट हूँ, एंड स्मार्टर, और तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट। आई नो यू रन अ कार, मुझे मालूम है कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, और समझदार, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि सावधान रहो। जेरार्ड, आर यू अमेरिकन, क्या तुम एक अमेरिकन हो? और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, या तुम एक चालाकी की नकल कर रहे हो अमेरिकन जैसी एक्सेंट में बात करने की? इंट्रूडर, लिसन, सुनो, दिस गन इज नो टॉय, ये बंदूक कोई खिलौना नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे ही सवाल करोगे और मैं जवाब दे दूंगा। मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, बिना तुम्हें मारे हुए मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। यू स्टिल गेट माई आंसर, अभी भी मेरा जवाब मुझे पाना है, बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं उन सब बातों का जवाब दीजिए। जेरार्ड, ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही रखते रहे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करने के लिए। आई डू पजेस अ कार, हाँ ये सच है कि मेरे पास एक कार है। इट्स इन द गैरेज, ये गैरेज में है, राउंड द कॉर्नर, कोने पे, आपने देखा होगा कॉर्नर में। तो इंट्रूडर, दैट्स बेटर, बहुत अच्छा। डू पीपल ऑफन कम हेयर,
क्या लोग अक्सर यहां पर आते हैं? जेरार्ड जवाब देता है, वेरी रेयरली, कभी कभार कोई आ जाता है यहां पर। सरप्राइजिंगली अ फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, और आश्चर्यचकित तौर पर कुछ लोग तकलीफ उठाते हैं मेरे पास विजिट करने के लिए। देयर इज अ बेकर, एक नान भाई आता है, एंड द ग्रीन ग्रोसर, और एक सब्जी बेचने वाला, ऑफ कोर्स वास्तव में, देन देयर इज द मिल्कमैन, और दूधिया भी आता है, एंड क्वाइट चार्मिंग, और काफी आकर्षक, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग आदमी कोई नहीं आता, तुम ही आए हो। इंट्रूडर इस पर कहता है, आई हैपन टू नो, मैं जानना चाहता हूं, दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, क्या तुम बिजनेस वाले लोगों से कभी नहीं मिलते? मुझे साफ साफ जवाब दो। जेरार्ड कहता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मुझे लगता है कि तुमने काफी तकलीफ उठाई है, समझदारी पूर्ण तकलीफ उठाई है ये सब जानने के लिए। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, जब तुम मेरे बारे में इतना ही जानते हो, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप मेरे साथ इतनी विनम्रता से पेश आ रहे हैं। तो इंट्रूडर जवाब देता है, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूं। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, यहां तुम्हारे एरिया में सारे पे मैं स्मार्ट हूं। आई गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है। आई यूज देम, मैं उन्हें यूज करता हूं। दैट इज हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, मैं यहां तक पहुंचा हूं जहां पर मैं हूं, सिर्फ दिमाग की बदौलत। जेरार्ड पूछता है, And where precisely have you got? और संक्षेप में बताइए कि ये दिमाग आपको मिला कहाँ? I didn't require a great brain to break into my little cottage. इसमें कोई बड़े दिमाग की जरूरत थोड़ी है कि झोपड़ी में घुसने के लिए कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती है, सेंध लगाकर घुसाना। Intruder, when you know, जब आपको पता चल जाता है why I have broken into your little cottage, तुम्हारी झोपड़ी में मैं चुपके से घुस आया, यू विल बी सरप्राइज, आपको आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इट वोंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये कोई खुशी का सरप्राइज तो है नहीं, आप आ गए हैं तो किसी मतलब से आए होंगे। जेरार्ड, विद योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट, इसमें इतना ज्यादा इमेजिन करना, कल्पनाएं करना, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, हाँ ये तो समझने वाली बात है, किसी मतलब से आए होंगे। बाय द वे ये बताओ, व्हाट पार्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, तुम किस तरीके के क्राइम की लाइन से ताल्लुक रखते हो? यू आरंट अ स्पेशलिस्ट, या तुम स्पेशलिस्ट हो, जैसे लोग स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं, कोई डेंटिस्ट होता है तो कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, और कोई फिजिशियन तो कोई सर्जन। तो इंट्रूडर इसी तरीके से, हो सकता है कि क्रिमिनल भी कई तरीके के होते हैं। यस, बिल्कुल सही। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल्स रॉबरी, मेरी स्पेशलिटी जवाहरातों की रॉबरी है। कुछ लोग किडनैपर होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ मर्डरर होते हैं, और कुछ सुपारी लेते हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? ज्वेल रॉबरी की है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार तो मेरे लिए ट्रीट का काम करेगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, और वाकई ये बड़ी शानदार सी बस की तरह है। जेरार्ड, आई एम एंड फॉर बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, एसेक्स के जंगलों के बीच में मुझे लगता है कि जवाहरात कुछ ही होंगे और कहीं दूर होंगे। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, हाँ इसलिए पुलिस वाले भी कम हैं यहाँ। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, एक पल के लिए मैं यहाँ पर रिटायर हो सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। जेरार्ड, यू मीन टू लीव विथ मी, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे? आ ट्रिफल सडन इजंट इट, क्या वाकई एक छोटी सी बात नहीं है? यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैंने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, फिर यहाँ क्यों चले आए मेरे घर? इंट्रूडर जवाब देता है, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ काफी लंबे समय तक नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता हूँ ये पूछने की। जेरार्ड, वॉट डू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? इंट्रूडर कहता है कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बड़ा सा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूं। जेरार्ड, लिटिल हार्श, कहता है कि तुम तो सख्त होने लगे भाई, इजंट इट? इंट्रूडर विद अ हैवी सरकास्म, एक बहुत ज्यादा मजाक के साथ, यह आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे ये करते हुए बड़ी तकलीफ होगी। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मैं तुम्हारे लिए एक कल्पना लाया हूं, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, बस ये हो जाए। जेरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने दूसरे क्राइम में मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो भाई, मेरा मर्डर करके? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, तुम वाकई बहुत सीरियस कदम उठा रहे हो।
तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं किसी मजाक के लिए इसे नहीं उठा रहा। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग एनफ। मेरी तलाश काफी लंबे समय से हो रही है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। मैं तो पहले ही मर्डर के लिए वॉन्टेड हूं। एंड देन दे कांट हैंग मी ट्वाइस। वो मुझे दो बार नहीं लटका सकते। जेरर्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेटुअस डबल। अरे तुम तो ये दोहरा एहसान कर रहे हो, सो टू स्पीक। एडमिटेड, मैं स्वीकार करता हूं। यू हैव नथिंग टू लूज। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, बट वॉट हैव यू टू गेन। लेकिन तुम्हारे पास पाने के लिए क्या है? इंट्रूडर कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, इस तरीके की बातें कर रहे हो? तब इंट्रूडर कहता है कि आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। मुझे आजादी मिलेगी। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा रूप लेकर के यहां रहने लगूंगा। एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरा सवाल है, आई एम अ पुअर हॉन्टेड रैट। मैं तो एक बेचारा सा जिसकी तलाश की जा रही एक चूहा सा हूं। आ विंसेंट एज विंसेंट चार्ल्स जेराड, और विंसेंट चार्ल्स जेराड के तौर पर आई एम फ्री टू गो प्लेसेस। मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हो जाऊंगा। एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करूंगा। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छी तरीके से खाना खा सकता हूँ, स्लीप सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट, और बिना तैयार हुए पीटने के लिए, एट द साइट ऑफ कॉप, पुलिस वाले के दृश्य पर पीटने का भी डर नहीं। जेरार्ड, इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश एनफ टू डिले। हिस्किलिंग, ज्यादातर मेलोड्रामास में विलेन बेवकूफ होता है जो अपने हीरो को मारने में देरी करता है। लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और काफी लंबे समय तक फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। यू आर मच लकियर, आप काफी लकी हो यार। इंट्रूडर कहता है, क्या मतलब है? आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग। मेरे हर बात के लिए मेरे पास वजह है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेराड सी। मैं विंसेंट चार्ल्स जेराड होने वाला हूं। आई हैव गॉट टू नो, मुझे जानना है व्हाट ही टॉक्स लाइक्स, कि वो किस तरीके से बात करता है। नाउ आई नो, अब मुझे मालूम चल गया है, दैट पोश स्टफ कम्स इजी। काफी आसानी से तुम्हारे अंदर का पदार्थ आता है, काफी कल्चर्ड वॉइस में बोलते हो यार। This is Mr. V.C. Gerard speaking. और नकल करते हुए बोलता है कि मैं V.C. Gerard बोल रहा हूँ। Pantomime of phoning, phoning पर उसकी नकल करते हुए, in imitation, नकल करते हुए cultured voice की। And that's not all, यही सब कुछ नहीं। खड़ा हो जाता है, देखो ऐसे बोलता है, बिल्कुल कॉपी करता है। Get up a minute, एक मिनट के लिए Gerard खड़ा होता है। Now take a look at me, अब मेरी तरफ देखो यार। Gerard कहता है, मेरी तरफ देखो। जेराड, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव। कोई तुम सजे तो हो नहीं जो मैं तुम्हारी तरफ देखूं, जेराड से कहता है। देखो, इंट्रूडर कहता है कि नो वेल, दैट गोज फॉर यू टू, ये तुम्हारे लिए ही है। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, मुझे सिर्फ ये तुम्हारे मतलब चश्मा लगाना है। एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और मैं काफी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी जीने लगूंगा इसके बाद।